यो गाइस वेलकम बैक। सो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होगे कि आज के वीडियो में हम लोग मार्कर्स का यूज करने वाले हैं। तो सवाल ये आता है, मेरे पास उतना सारा मार्कर्स आया कहाँ से? तो हुआ कुछ ऐसा, क्या आप लोगों को ये वाला मार्कर्स याद है? ये है ओहू का अल्कोहल मार्कर्स, जिसे मैं 2 साल पहले लिया था और ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट और महंगा मार्कर्स था, बट अब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ओहू ने हमें भेजा है एक स्पेशल सा पार्सल। सो गाइस ये रहा पार्सल, एंड इस डब्बे का साइज देखो यार, बहुत ज्यादा बड़ा डब्बा नहीं भेज दिया उन्होंने, लगता है बहुत सारा सामान है इसमें। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं इस डब्बे में क्या हो सकता है? वैसे मैं थंबनेल में ऑलरेडी, खैर छोड़ो। तो गाइस चलो इसे खोल के देखते हैं, रेडी? ओह माय गॉड गाइस, बहुत सारा चीज है इसमें। तो चलो इसे एक एक करके देखते हैं, इसे मैं किधर रखूँ? आज हम लोग इसे इधर साइड रखेंगे। कि मेरा लाइट का रिमोट गिर गया, माफ़ी के लिए खेद है, इसे हम लोग इधर नहीं रख सकते, इधर ही रखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है हमारे पास ये है कलर्ड फाइन लाइन पेंस। ये देखो, ये यूज़ होता है आउटलाइनिंग के लिए। तो इस वाले सेट में आपको टोटल 18 पेंस मिलेगा, और इसमें जो ब्लैक कलर है उसका हमें बहुत सारा साइजेस मिल रहा है, बट जो कलर है वो सिर्फ 5 नंबर का है टोटल। तो चलो हम लोग इसे यूज़ करके देखेंगे। इन सभी में से ना एक में BR लिखा हुआ था, तो मैं पहले इसे टेस्ट करना चाहूँगा ये क्या है। तो इसका टिप देखो आप लोग, ये ब्रश टिप है, तो आई थिंक BR मतलब ब्रश कहना चाहता है। तो इसका यूज करके आप सारा लाइन ही खींच सकते हो, मोटा पतला। आप जितना प्रेशर लगाओगे उतना मोटा होगा, और जितना हल्का चलाओगे उतना पतला लाइन खिंचाएगा। और बाकी का दूसरा पेन साइज पे डिपेंड करता है, आप जितना ज्यादा नंबर लोगे उतना ज्यादा मोटा चलेगा। तो ये पेन मार्कर के साथ फैलता है कि नहीं वो भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो अगला चीज है हमारे पास लिक्विड फाइन लाइनर पेन। ओके, ये भी एक्चुअली आउटलाइनिंग के लिए ही काम आता है, और इसमें आपको टोटल 9 पेंस मिलता है, अलग अलग साइजेस का, दिख रहा है आप लोगों को। सो इसमें लिक्विड फाइन लाइनर पेन लिखा हुआ है। अब ये लिक्विड का मतलब यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, मैं अभी पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो इसे खोल के ही देखते हैं। तो पहले की तरह इसमें भी एक ब्रश है, तो मैं एक ब्रश लिया हूँ, एक नॉर्मल पेन लिया हूँ, ये देखो। अच्छा, इसमें लिक्विड से क्या मतलब है पता है? इसके पीछे देखो इंक भरा हुआ है पूरा, जैसे वो फाउंटेन पेन वगैरह में होता है ना, पीछे इंक रहता है, तो वैसा पेन है ये। और इसका इंक लो बहुत ही अच्छा है, और पहले वाले पेन से बहुत ज्यादा डार्क भी है, आप लोगों को डिफरेंस साफ दिख रहा होगा। और इसका जो दूसरा नंबर वाला पेन है वो भी बिल्कुल ही ऐसा चल रहा है, बहुत ही डार्क, बहुत ही मस्त। मतलब ये जो इंक वाला सिस्टम है ना बहुत ही अच्छा है, ना ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, ना ज्यादा कम निकल रहा है, एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एक डब्बा, क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर मिक्स मीडिया पैड लिखा हुआ है, इसको भी खोल कर देखते हैं। ये एक स्केच बुक है, और देखो ये 200 GSM का है, जो कि सफिशियंट होता है किसी भी मीडियम के लिए। और इसका टेक्सचर देखते हैं पेपर का कैसा है। सो ये देखो बिल्कुल ही मस्त टेक्सचर है, हल्का सा रफ है, जो कि मार्कर्स के लिए एकदम बेस्ट रहता है। और इसमें एक पेपर को प्रोटेक्ट करने का शेड भी दिया है। पता है इसका क्या यूज है? आप जब मार्कर का यूज़ करते हो, तो मान लो इस पेज में आप कुछ ड्रॉ किए और उसे पेंट किए, तो पिछले पेज में ना आपका वो छप जाएगा इंक, और पीछे का पेज भी ख़राब हो जाएगा। तो इस शीट को क्या करना होता है, पीछे के पेज में रख देना होता है, तो आपका पेज गंदा नहीं होगा। देखो मार्कर भी ओहू का है और स्केचबुक भी ओहू का है, तो सबसे बेस्ट काम करेगा। एक आखिरी चीज़ बचा है, बट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आप लोग सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो। ओके, एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसे निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी है ये। ओके, डब्बे में और कुछ नहीं है, इसे फेंको इधर, रेडी? इसे खोलते हैं यार, बहुत देर से वेट कर रहा था मैं इसका। तो फाइनली पहले आप लोग देखो, रेडी? ओ नहीं दिख रहा है, ये देखो गाइस कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है यार, इतना सारा मार्कर्स। पता है इसमें कितना है, गेस करो? देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देखो यार, मतलब इतना ज़्यादा मस्त लग रहा है ना देखने में, मन कर रहा है इसे यूज़ ही ना करूँ, सजा के रख दूँ, एक दो पेंटिंग हटा के इसे ही लटका देता हूँ, क्या बोलते हो? मस्त लगेगा। तो गाइस, तो जैसा कि मैं बोला था, ये जो आउटलाइनर पेन है इसे हम लोग यूज़ करके देखेंगे मार्कर के साथ कि ये उसमें फैलता है कि नहीं, और इन्हीं का स्केचबुक में यूज़ करेंगे, तो इसका भी टेस्ट हो जाएगा। सो ये देखो, ये रहा हमारा मार्कर, और इसके दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एक साइड हमें चीजल टिप मिलता है, जैसे कि हाइलाइटर का टिप देखे होगे ना, आगे मोटा रहता है, ये वैसा ही चलता है। और दूसरी साइड हमें मिलता है ब्रश टिप, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है, इधर इंक फ्लो ज़्यादा है,
तो आपको कोई चीज ब्लेंड करना है तो ये यूज कर सकते हो। सो अभी हम लोग ये दोनों फाइन लाइनर पेन को टेस्ट करेंगे कौन सा मार्कर के साथ अच्छा काम करता है, क्योंकि ये पेन फैलना नहीं चाहिए मार्कर के साथ। सो मैं दोनों पेन का 5 नंबर पेन ले लिया हूं और जस्ट लाइन खींचेंगे सिंपल सा, देखेंगे किस में फैलता है। सो अभी मैं एक मार्कर लूंगा और इसे नॉर्मली पेन के ऊपर चलाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। सो ये ब्लैक वाले पेन में तो कुछ हुआ नहीं, बाकी ये लिक्विड फाइन लाइनर में देखना है मुझे क्या होता है। सो जैसा कि मुझे लगा ही था, देख सकते हो आप लोग इंक कैसे फैल रहा है, देखो पूरा इधर उधर फैल गया है। देखो पहले वाले में मैं कितना भी घिस लूं ये नहीं फैलने वाला है, ओके। और इसमें हल्का सा भी घिस रहा हूँ ये फैल जा रहा है, मतलब ये नहीं यूज कर सकते हम लोग। फिर भी आपको यूज करना है तो कलरिंग के बाद आउटलाइन करना पड़ेगा। तो सारा चीज को टेस्ट करके देख ही लिए, तो मैं सोच रहा था लगे हाथ मार्कर को भी टेस्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ एप्पल का और इसे हम लोग पूरा मार्कर की मदद से कलर करेंगे, मजा आएगा। और ये मार्कर ना एक दूसरे कलर के साथ बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। देखो यहाँ पे तो मैं काफी सारा शेड्स का यूज कर रहा हूँ। सो हमने तो एक ही एप्पल बनाया था, बट पीछे के साइड हमें एक पे एक फ्री भी मिला है और यहाँ पे मेरा पेज भी गंदा हो चुका है। बट नहीं, यहाँ पे मैं ऑलरेडी प्लास्टिक का शीट रख दिया था। सो देखो मेरा पेज बच गया। सो ये इसका काम है। यार मेरा मन तो अभी भी नहीं भरा, मुझे और भी ज्यादा यूज करने का मन कर रहा है इस मार्कर को। तो मैं सोच रहा था ना एक कम्प्लीट सा पेंटिंग बनाते हैं जिसमें हम लोग इसी मार्कर का यूज करेंगे, क्या बोलते हो? चलो बनाते हैं। अरे अरे रुको, जरा सबर करो। अभी कोई भी पेंटिंग बनाने से पहले हमें ये 3 स्वेचेस फिल करना पड़ेगा। इसमें पूरा 216 डब्बा है, वरना कोई भी कलर मिलेगा नहीं। पहले से कौन कौन जानता है, ये एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे सीरीज का कैरेक्टर है जिसका नाम है डीमन स्लेयर। तो मैं वो सीरीज देखा हूँ एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। सो अगर आप इसे पहले से जानते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि मुझे भी जानना है मेरे सब्सक्राइबर में से एनिमे किस किस को पसंद है। सो इसी के साथ स्केचिंग हो चुका है कंप्लीट एंड द नेक्स्ट स्टेप इज इंकिंग। सो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ओहो का फाइन लाइनर पेंस। गाइज ये पेन एक्चुअल में बहुत अच्छा चलता है, काफी स्मूथ है और जो छोटा छोटा ब्लैक एरिया है ना उसे भी हम लोग इसी पेन से फिल कर देंगे। सो इंकिंग भी हो चुका है कंप्लीट एंड अभी हम लोग पहुंच गए सबसे लास्ट स्टेप पे, विच इज कलरिंग। सो आई एम स्टार्टिंग विद द हेयर एंड इसका हेयर बहुत ही प्यारा है, एकदम फायर इफेक्ट जैसा लगता है देखने में। सो आप लोग कलरिंग पे ध्यान दो, कितना मस्त चल रहा है ये, कहीं पे पैचेस देखने को नहीं मिल रहा है, काफी स्मूथ ब्लेंड हो रहा है। एंड यस द डेडली आईज, देखो कितना मस्त लग रहा है। सो फेस हो चुका है कंप्लीट, एक झलक देख लो कैसा लग रहा है देखने में। सो नेक्स्ट हमें बैकग्राउंड बनाने से पहले ये फायर इफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे ऊपर में है। सो अब देखो और भी ज्यादा ऑसम लग रहा है। तो अभी मैं बैकग्राउंड को पूरा ब्लैक फिल कर दूंगा जिससे कि ये जो मैंने फायर इफेक्ट बनाया है उस पर अच्छा सा फोकस जाएगा। सो इसका कपड़ा बनाने के लिए पहले मैं शेडेड एरिया को कलर कर लिया हूँ, उसके बाद हाइलाइटेड करूंगा तो वो दोनों मिक्स होके अच्छा इफेक्ट आएगा। सो लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, अब लास्ट का फाइनल टचअप दे देते हैं। सो गाइस अभी पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है एंड सीरियसली बहुत ही ज्यादा मजा आया इस मार्कर को यूज करने में। तो क्या आप लोग अभी रेडी हो पेंटिंग का फाइनल लुक देखने के लिए? देन एंजॉय। सो गाइस पेंटिंग कैसा लगा आप लोग सच्ची सच्ची बताना कमेंट में। एंड गाइस मेरे सारे YouTube फैमिली के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा डिस्काउंट है, सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आप इसे ओहो के ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हो तो आप लोग कोड यूज करना आर्यन वर्मा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप लोग अमेजोन यूज करते हो खरीदने के लिए तो आप लोग वहाँ पे कोड यूज करना ओहो एक्स्ट्रा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है आप लोग कहाँ से खरीदो। सो इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, हमारा 5 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाला है, जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।